जब प्रवेश करा था मैंने तब उस समय एक कुछ बात चल रही थी कि माँ अभी कहाँ हैं तो उसी से पहले शुरू करते हैं शरीर से हम लोग बंधे होते हैं भगवान नहीं यदि भगवान शरीर से बंधे होते तो भगवान नहीं होते वो शरीर धारण करते हैं एक विशेष कार्य के लिए और उसी को हम लोग अवतार कहते हैं किंतु तो वो कार्य करने के बाद जब वो अपने धाम को चले जाते हैं या धरती के साथ रहते हैं ये उनके ऊपर है अवतार कभी भी वापस नहीं जाते अपने धाम को वो धरती के एक हिस्सा बनकर एक पर्सनालिटी के रूप में सदैव निकट रहते हैं जब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता और हम समझते हैं कि ये देह ही सब कुछ है लेकिन उनके लिए देह केवल एक आ, यंत्र उपकरण के मात्र है एक विशेष पर्पज से एक विशेष प्रयोजन से अवतार देह धारण करते हैं डिवाइन देह धारण करते हैं ताकि हम सबकी देह के अंदर एक काम कर सकें हम सबकी देह और अवतार की देह एक ही तरीके से बनी होती है तो यदि वो अपनी देह में कार्य करेंगे तो हम सबकी देह जो देह से बंधे जीव हैं उन सबको उसका लाभ मिलेगा प्रसाद रूप में इसलिए वो शरीर की सीमा में आते हैं किंतु शरीर से जब वो छोड़ देते हैं तो ये नहीं कि वो चले जाते हैं कोई है जो हृदय पर हाथ रख के कह सकता है कि राम नहीं है कृष्ण अब नहीं है कृष्ण जी का देहांत हो गया <laughs> अजीब लगेगा सुनने में ही अजीब लगेगा फिर माँ श्री अरविंद का तो अभी प्रारंभ हुई है लीला और कौन है वे श्री अरविंद कौन है इसको केवल माँ बता सकती हैं उन्होंने देखा अपनी दृष्टि से श्री को पहले ही दिन और बता दिया ये वो कौन है वो ही He हिम here upon इज जिनको मैंने कल कृष्ण स्वरूप परमेश्वर को देखा था वही उन्हें आज मैं धरती पर देख रही हूं उनकी उपस्थिति मात्र ही इसका प्रमाण है कि ये संसार का कल्याण होना निश्चित है कल्याण का अर्थ ये नहीं होता है कि जैसे हम दिन निकलेगा ये कब निश्चित होता है मिडनाइट के बाद है ना अब जीरो 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 वन पे क्या कहते हैं हम लोग ऐसे गुड नाइट कहते हैं लेकिन मॉर्निंग शुरू हो गया है तो जो अभी कोरोना काल की बात हो रही थी <laughs> ये वो वाला कोरोना काल है मॉर्निंग हैज स्टार्टेड। इट विल ग्रो इन ऑल इट्स ग्लोरी स्प्लेंडर अभी तो हम लोग को बहुत दूर तक भगवान का नून देखना है नून क्या बोलते हैं दोपहर मॉर्निंग है स्टार्टेड जब जीरो 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 वन होता है ना फ्लाइट में ट्रेन के टाइमिंग में तो डेट चेंज हो जाता है आप ये नहीं कह सकते कि पुराना डेट है वैसे ही लेकिन बाहर अंधेरा रहता है देखने में लेकिन वो धीरे 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 काम हो रहा है ऐसे नहीं कि बारह बजे एकदम लाइट हो गया धीरे तो धीरे काम होता जा रहा है और इस पर चूंकि ये प्रश्न उठाता है ये कोरोना काल के सौ वर्ष पहले भी एक कोरोना काल हुआ था स्पेनिश फ्लू महा कोरोना काल वो भी फ्लू था उस फ्लू और आज के फ्लू में अंतर देखिए आप स्वयं समझ जाएंगे कि वो क्या था और ये क्या है कितने करोड़ लोग पचास करोड़ डेथ उस समय विश्व युद्ध हो रहा था अभी तो एक छोटा मोटा यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है तो वो धीरे धीरे वही वृत्ति वही शक्ति क्या हो रही है क्षीण होती जा रही है इस तरह से हम लोगों को इन चीजों को देखना है तो कौन है शेयरविंद ये मां बता सकती हैं उनकी उपस्थिति मात्र इसका संकेत है कि अंधकार छट जाएगा और मां कौन है ये केवल शेयरविंद बता सकते हैं वन होम वी कॉल एज द मदर इज़ द डिवाइन कॉन्शियसनेस फोर्स ऑफ द सुप्रीम परमा शक्ति किंतु उन्होंने क्योंकि परमा शक्ति बड़ा सुंदर अभी बताया दीदी ने वो व्यस्तगत विश्वगत विश्वातीत इंडिविजुअल कॉस्मिक ट्रांसजेंडेंट हम लोग बोलेंगे भगवान इन शब्दों का अर्थ बता दीजिए <laughs> ये तो हम कैसे जानेंगे उन शक्ति को तो उसके लिए शेरविन ने बहुत सुंदर माता जी कहते हैं जान सकते हो लेकिन कैसे एक अंदर में द्वार है चैत्य द्वार फील हर एंड सी हर विद द साइकिक विजन और कोई तरीका नहीं है माइंड बोलेगा कभी हाँ कभी ना हृदय प्राण बोलेगा हो सकता है मेरा सब अच्छा हुआ कोरोना में भी बच गए ये भी हो गया वो तो बाँ हैं और कल कोई बीमारी हो जाएगी घुटना दर्द करेगा तो बोलेगा मानिए नहीं ये तो प्राण का हमारा इतना बड़ा ज्ञान है कौन जाने घुटना बीमार होना ज़्यादा बड़ा ग्रेस हो आपको मौका मिला भागा दौड़ी मत कीजिए शांति से बैठ के अब स्मरण कीजिए हम लोग क्या समझ सकते हैं उनको लेकिन चैत्य द्वार से हम जान सकते हैं थोड़ा बहुत एक देखे विंडो दिया है और वो डोर भी बन सकता है जिससे हम थोड़ा सा उनकी महिमा को देख सकते और थोड़ा बहुत उन लोगों में शेरविंद प्रारंभ वहां से करते हैं फॉर रिस्पेक्ट जो उनकी विभूतियां उनकी शक्तियों के रूप में कार्यरत हैं सारे संसार में अनेकों ऐसी विभूतियां हुई है, पुरा हैं पुरातन काल से देखें तो अपने मूल स्वरूप में क्या है माता जी से किसी ने पूछा कि जब आपने तो सृष्टि की रचना की है तो कैसे रचना की अच्छा क्वेश्चन है माता जी कहती हैं जब ईश्वर ने संकल्प लिया कि मैं सृष्टि की रचना होनी चाहिए वेन द डिवाइन डिसाइडेड वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही है बड़ा सुंदर तरीका टू क्रिएट ही ब्रॉट आउट ऑफ हिम सेल्फ हीज नॉलेज एंड पावर आई एम दैट नॉलेज एंड पावर इसको क्या कौन सी नॉलेज है वो ओमनीसियंस एंड ओमनीपोर्टेंस हम लोग कहते हैं ना भगवान के बारे में वो सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान है तो ईश्वर की वो सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमता माँ ने अपने अगर आप माँ को एक मानवीय रूप के रूप में देखें तो यहाँ उनकी सर्वज्ञता है कपाल में और उनकी भुजाओं में उनकी सर्वशक्तिमता है और उनके उदर में नाना प्रकार के तारे नक्षत्र जन्म लेने की जो क्षमता है जहाँ से वो प्रकट होते हैं और उनके चरणों में एक एक चीज को जहाँ जहाँ पग धरती हैं मतलब आप देखते हैं तो बहुत दूर तक देखते हैं लेकिन जब चलते हैं तो एक एक पग पर चलते हैं और उनके हृदय में क्या है उनके हृदय में अनंत प्रेम अनंत आनंद जब शेरविन चार एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये चार ही काफ़ी नहीं है और भी उनकी शक्तियाँ हैं जो छिपी हुई हैं लेकिन जिनके लिए हम लोग अभी तैयार नहीं हैं उसके बारे में कहते हैं हर मिस्टीरियस पर्सनैलिटी ऑफ आनंदा आनंद इन्फिनिट लव पर पहले ये चारों हम लोगों को तैयार करती हैं ये चार उस सुप्रमेंटल महाशक्ति की शक्तियाँ जो हम हम सबको तैयार गढ़ती हैं उनका काम है संसार को गढ़ना लेकिन आम तौर पर वो संसार में डायरेक्ट उनका एक्शन पीछे उन्हीं का एक्शन रहता है लेकिन डायरेक्ट उनका एक्शन सृष्टि नहीं पकड़ सकती है इसलिए वो पीछे छिप करके अपने ही अंदर से अपने एक नेचर जिसको हम प्रकृति कहते हैं वो भी कितनी अद्भुत है अपने ही अंदर से एक लोअर एस्पेक्ट लेसर खुद को वो संवरण करती हैं नहीं तो मनुष्य पशु जीव जंतु बन ही नहीं पाएंगे उस चेतना की शक्ति को धारण नहीं कर सकते एक आश्रम की कहानी है एक लेडी थी वो अपने पति के साथ आई पति ने शेरविंद की पुस्तक पढ़ी हुई थी लाइव डिवाइन लेकिन जो महिला थी वो ज़्यादा पढ़ती लिखती नहीं थी तो उसके हस्बैंड को ये डाउट था मैं तो लाइव डिवाइन पढ़ाऊँ मैं तो यहाँ के लिए उपयुक्त हूँ लेकिन ये पता नहीं ये तो गांव की अनपढ़ गवार ये क्या समझेगी माँ को आ गए उनके मन में यही डाउट था मैं तो मैं सब होता है ना मैं पढ़ा हूँ मैं लिखा हूं ये सब हूं डिग्री भी है ये क्या जानेगी माँ को वो जो लेडी थी वो अम्बा जी की भक्त थी अम्बा एक रूप है डिवाइन मदर का जब क्यों में खड़े हुए एक दिन दर्शन के लिए तो उनके दिमाग में आया कि ये सब लोग कहते हैं है माँ है माँ। कैसे माए कैसे जानूंगी तो उन्होंने अपना जो मंत्र करती थी ना अम्बा माँ का उसको मंत्र किया जैसे उन्होंने मंत्र मन में किया माने सब काम रोक करके उनकी तरफ देखा ऐसे मुड़ के देखा तो उसको लगा कि हो सकता है भाई चांस दोबारा किया फिर माँ ने सब रोक के उनकी तरफ देखा तीसरी बार किया अगेन द डिवाइन मदर डिड द सेम तब उनको ये हो गया है यही डिवाइन मदर है बस कोई किताब नहीं पढ़ा कुछ नहीं ये है डिवाइन मदर पास में गई आशीर्वाद माँ स्माइल करके उनको बताया कि अच्छा तो मुझे जानना चाहती थी <laughs> खैर थोड़े दिनों बाद अब होता है मनुष्य हैं आप किताब पढ़ लीजिए लेकिन अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा तो किसी से बातचीत में उनको बड़ा अहंकार आ गया उनके जो पति नहीं हम नहीं रुकेंगे यहाँ एक मिनट चलते हैं तैयार हो गए जाने के लिए अब यहाँ तो बहुत अच्छे से गढ़ा जाता है तैयारी होती है ऐसे नहीं इतना ठुकाई पिटाई सब होता है वाश वॉशिंग वाश, मशीन में पहले तो भगवान डाल देते हैं वहाँ इतना तीव्र गति से स्पिनिंग होता है कि आपको लगता है कहाँ आ गए फिर अगर आप लोहाएँ तो भट्टी में डाल देते हैं भट्टी समझते हैं ना आग का एक उसमें डाल देते हैं आप बोलते हैं अरे हम तो डिवाइन मदर का काम करने आए हाँ हाँ इसीलिए तैयारी हो रहा है <laughs> तो वो नहीं सहन कर पाए वो बोले मैं जा रहा हूं यहां पर मैं नहीं रुकूंगा एक मिनट वाइफ को आगे बोले चलो अब वो मां के पास आने के पहले वाइफ क्या थी आपकी जैसी आज्ञा पति देव यहां आ गया तो उनको अलग शक्ति मिल गई बोले आपको जाना है तो जाइए मैं रहूंगी ट्रू स्टोरी है मैटर एंडेड वो चले गए रह रुक गई डिवाइन मदर से पूछा ये लेट इस्टे हियर ये है मां <laughs> लेकिन असल रूप में अगर ये सारा उनका रचा हुआ खेल था वो नहीं लाए थे ये उनको लेके आई थी कि उनका भी थोड़ा कल्याण हो जाए उनकी उपस्थिति तो हम बाहर से चीजों को समझते हैं क्या समझते हैं एक बार प्ले में एक पंद्रह साल की लड़की बेहोश हो गई तो लोगों ने अचानक अरे क्या हो गया क्या हो गया तो माने का नो डोंट डू एनी उसको ऐसे रहने दो उन्होंने बताया कि ये बहुत उसका मन में मैं माँ को देखूं कौन है कौन है तो एक क्षण के लिए उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसीलिए मा, पेड़ पौधे पत्तियों में छिप गई पीछे शेरबिंद कहते हैं ना दीज आर इज वर्क एंड इज वेज एंड इज कनिंग बट देन बाई वॉट नेम इज ही नोन इज ई ब्रह्मा और विष्णु मैन और ए वुमेन बॉडीड और बॉडी लेस ट्विन और एलोन कौन है वो छिपे हुए हैं और उनको श्री अरविंद उनके जीवन में कोई एक होता है एक हुआ था बहुत पहले अर्जुन अर्जुन तो देख के भगवान के रूप को कांपने लगा लेकिन श्री तो आके उन्होंने उनको अपने गोद में ले लिया श्री कृष्ण और श्री अरविंद दोनों एक हैं उनसे मिले ये कहानी सब जानते हैं लेकिन श्री कृष्ण ने मिलन के लिए किसने तैयार किया श्री अरविंद को तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में 1905 से आप देखिए पढ़िए उनकी कृति डिवाइन मदर एस काली भवानी भारती है उसके बाद वो हम देखते हैं दुर्गा स्त्रोत एस काली शी कम्स एंड और बाद में वो एक में लिखते हैं कौन श्री कृष्ण के आनंद को ग्रहण कर सकता है वह जिसको काली ने तैयार किया है वो हम लोग आजकल बना दिए नाचो गाओ और भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे श्री कृष्ण केवल बांसुरी नहीं है वो चक्र भी है महाभारत भी हैं वृंदावनी केवल नहीं है तो शेरविंद पूरा का पूरा माता जी पूरा उनका अगर हम लिटरेचर देखें तो कोर्स वो सुप्रीम है लेकिन संसार में सुप्रीम जब आते हैं मानव देह धारण करके तो मानव लीला रचते हैं मानव लीला हेतु है तो बताते हैं तुम्हारा कल्याण किस में अपने जीवन से बताते हैं हम लोग शेयरविंद को इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर लेकिन एक बार सिस्टर निवेदिता ने शेरविंद से कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके वारंट निकल गया मैं जानती हूं आप जल्दी से चले जाइए तो शेरविंद कहते हैं मुस्कुरा के आप भी तो माँ की भक्त हो बिना माँ के आदेश के मैं यहाँ से कैसे ही चल जा सकता हूँ ऐसा था उनका माँ के प्रति समर्पण और डिवाइन मदर का ऐसा ही शेरविंद के प्रति समर्पण किसी ने पूछा आश्रम में यहाँ पर कोई दो एडवांस्ड साधक हैं जिससे मैं मिलूं कौन एडवांस साधक हैं तो एक दूसरे साधक थे लोग कहते थे पागल हो गया लेकिन वो सच्चा बात करते थे वो कहते हैं दो हैं बोलना नहीं किसी को एक श्री अरविंद और एक माता जी <laughs> उसको समझ नहीं आया बोला नहीं नहीं एक साधक हो से ह्यूमन उसका बात बताओ तो बोले तो भी दो हैं एक तुम और एक मैं <laughs> <laughs> बोलने का एक तरीका था ये अहंकार में मत जियो सब मार शेरविंद कर रहे हैं सब कुछ इस सृष्टि में जो हो रहा है होता है उसके पीछे वही माँ जगत जननी है लेकिन उनका डायरेक्ट एक्शन मनुष्य तैयार नहीं कर सकता है इसलिए वो छिप कर के प्रकृति के पीछे ये हरा में पेड़ का आकाश के नीला में और समुद्र की कलकल में नदियों के स्वर में पक्षी के चहचहट में सुन रहे ना हम लोग सिंह की दहाड़ में सब में उन्हीं का रूप है लेकिन छिपी हुई है डायरेक्ट नहीं अपने को डिमिनिश करके और कभी कभी उन्होंने अपने विभूतियों के रूप में कार्य किया है जब भी जैसा जरूरत था अनेकों कहानियां उनकी पर पास में तो हम लोगों के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसके पहले मुगल तो मुगलों को किसने हराया माँ की विभूति दो जगह आई शिवाजी के रूप में महाराष्ट्र में और गुरु गोविंद सिंह के रूप में पंजाब में कौन है वो माँ की विभूति है उनके बिना भला ये संभव था असंभव था इतना बड़ा सेना इतना सब कुछ सब राजा लोग बटे हुए वहाँ पर उन्होंने आकर के ऐसी अनेकों कहानियां हैं जिसमें माँ ने एक इवन जब भगवान अवतार का रूप लेते हैं जब राम जी वो क्योंकि अवतार में दोनों एस्पेक्ट होते हैं डिवाइन और एक विभूति का रूप होता है तो राम जी को रावण से युद्ध करना है राम से बड़ा पराक्रमी शौर्य पौरुष किसके पास है लेकिन वो किसका आह्वान करते हैं माँ दुर्गा का बिफोर द बैटल कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को युद्ध के पहले दुर्गा का आह्वान करो युद्ध में जीतना है तो तो वो क्यों क्योंकि वो माँ की विजय देने वाली शक्ति हैं वो शक्ति साथ रहेगी तो वो निर्बल को खड़ा करके युद्ध जिता देंगी और वो शक्ति साथ नहीं है तो आप कर्ण हैं और न जाने कौन से रावण हैं कितनी शक्तियाँ हो शक्ति साथ में नहीं है तो शिव भी शव हो जाते हैं उन्हीं की शक्ति से सारी सृष्टि चलती है और इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से वही शक्ति प्रेम ज्ञान आनंद वो सब धीरे 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 करते हुए सृष्टि को यहां तक ले आया है जहां कुछ मनुष्यों के लिए यह संभावना है कि अब डिवाइन मदर का डायरेक्ट एक्शन हो सके अभी भी उन्हीं का है लेकिन पीछे छिपके है प्रकृति के पीछे तो प्रकृति के खेल में तो मिक्स होता है इग्नोरेंस का खेल है वो भी एक कारण है लेकिन उसमें अभी नहीं जाए लेकिन अब जो खेल शुरू हुआ है अब डायरेक्ट डिवाइन एक्शन का लेकिन सबके लिए नहीं पहले वे लोग जो तैयार हैं प्रस्तुत करते हैं अपने आप को तीन चीजें उनके अंदर होनी चाहिए जो डिवाइन मदर का डायरेक्ट एक्शन सी कहते हैं थ्री थिंग्स यू मस्ट कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस क्या है वो शक्ति जिसे हम किसी भी चीज के लिए जानते हैं और साथ में हमारे अंदर संकल्प दृढ़ संकल्प एक चीजों को ऐसे अनजाने या ज्ञान में नहीं कैसे भी कुछ भी चल रहा है नहीं जान के ज्ञान की शक्ति और संकल्प की शक्ति ये कॉन्शियसनेस है साथ में क्या होना चाहिए कॉन्शियसनेस के साथ और ये जितनी बढ़ेगी उतना अधिक हम माँ के डायरेक्ट एक्शन को रिसीव करेंगे साथ में क्या होना चाहिए प्लास्टिसिटी आप जैसा चाहो कॉन्शियसनेस प्लास्टिसिटी मेरे हिसाब से नहीं आपके हिसाब से चलाओ मेरा ओपिनियंस मेरा व्यू पॉइंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या चाहते हो प्लास्टिसिटी और उसी के साथ जुड़ा हुआ है सरेंडर ये तीन चीज की आवश्यकता है सीमा का डायरेक्ट यंत्र बनने के लिए और जैसे जैसे हम उनके प्रति खुलेंगे वैसे वैसे रूपांतरण होगा अब रूपांतरण तो पूरे बींग में होना है लेकिन इसमें चार प्रमुख क्षेत्र हैं इसी को पुरुष युक्त में ऐसे बताया गया कि भगवान का मस्तक जहाँ ज्ञान का निवास है भगवान की भुजाएं जिसमें बल है शक्ति है सामर्थ्य है भगवान का हृदय और ये पूरा हिस्सा जिसके अंदर प्रेम है और भगवान के चरण चरण का हमेशा सेवा या किसी चीज़ के डिटेल में चरण वो है जहाँ से पूरी शक्ति निकल के सृष्टि के अंदर फैलती है यहां से हम लोग रिसीव करते हैं वहाँ से वो सारी सृष्टि में जाती है कैसे रिसीव करते हैं इसको आप ऐसे देखें आपको सृष्टि की रचना के पहले एक छोटा सा घर बनाना है तो घर बनाने के पहले क्या करें मान लीजिए वो सृष्टि है <laughs> तो घर बनाने के पहले क्या करेंगे कंसीव करेंगे <laughs> कैसा होना चाहिए आप क्या चाहते हैं उस घर में उस घर का प्रयोजन क्या है तो वो जो पावर है मां की जो सारी सृष्टि को कंसीव करती है लार्जर लाइंस ब्लूप्रिंट बनाती हैं कि सृष्टि ऐसी होनी चाहिए उसमें क्या होना चाहिए हर चीज कहाँ होनी चाहिए यहां किचन होगा यहां पर ड्राइंग रूम लिविंग रूम होगा यहाँ बेडरूम होगा वो शक्ति जो पूरे संसार की रचना के पीछे एक ब्लू प्रिंट लार्ज लाइन्स दैट इज महेश्वरी वो सबसे पहली इसीलिए हाइएस्ट वो उनके अंदर वो विजन है जिसके द्वारा वो ये संसार कैसा होना चाहिए उस विजन के द्वारा वो इस सृष्टि को विजडम है ये भी जरूरी है ना ब्लूप्रिंट देके नहीं पहले ये बनेगा वो बनेगा ऐसे होगा वैसे होगा सृष्टि की रचना में सारा जो कंसीव करती है ब्रह्मांड और देखिए क्या कंसेप्शन है कभी आकाश गंगा को देखिए उसी का रेप्लिका औरवेल का देखिए कितना सुंदर उनका जब वो कंसीव करती हैं तो इतना अद्भुत ढंग से कंसीव करती हैं सृष्टि के अंदर जल पर्वत नदी नाले सब कुछ इतना सुंदर चलता है फूल सांप बिच्छू भी और जीव जंतु आकाश में उड़ने वाले सब उन्हीं की कंसेप्शन है उन्हीं की विषम है उन्हीं की प्रेरणा है सब इतना सुंदर है यदि कोई थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है तो वो मनुष्य है मनुष्य के आने के पहले सृष्टि बहुत सुंदर है <laughs> लेकिन मनुष्य क्यों बनाया गया उसमें भी विजडम है ऐसा नहीं है माताजी बताती हैं शे एक बड़ा सुंदर बात करते हैं द ग्रेटनेस ऑफ मैन इज़ नॉट इन वॉट ही इज हम क्या हैं इसमें कोई महत्व तो नहीं है ये तो हम सब जानते हैं हम क्या हैं कितना भी दुनिया ढोल पीट करके प्रेस कर ले हमको पता है हम क्या हैं है ना सिंसेरिटी से कोई भी अपने आप को देखेगा उसको पता है वो क्या है सब मिक्सचर है खिचड़ी है वो भी खिचड़ी पकी हुई नहीं है पका हुआ होने से स्वादिष्ट है कुछ सब्जी डला है कुछ दाल सब पक रहा है कुछ आधा पक्का आधा कच्चा ऐसे ही ना हम लोग सो so, मैं और ये सबका दर्ज कोई एक व्यक्ति का नहीं है बाहर से हम सब साधु बच्चे हैं बहुत अच्छा लगता है अरे बहुत महान पुरुष हैं केवल एक ही पुरुष है <laughs> संसार में महान वो शीर भी <laughs> ये ब्रह्म में मत रहिएगा पर हाँ हम सब वी आर प्रोडक्ट्स इन द मेकिंग वो ठीक है वी आर इन द मेकिंग किसके मेकिंग के कंसेप्शन से हमारे नहीं डिवाइन मदर के ये इंपॉर्टेंट शिफ्ट है मैं क्या बनूंगा मैं क्या इसी में तो हम लोग का प्रॉब्लम हो जाता है सो मैज ग्रेटेस्ट इज नॉट व्हाट इन व्हाट ही इज बट इन वॉट ही कैन बिकम वो क्या बन सकता है वो अद्भुत बात है कोई पशु जीव जंतु वृक्ष पत्ता पहाड़ नहीं बन सकता है वो जो मनुष्य बन सकता है सारे मनुष्य एक बार सारे जानवर गए एक बार ब्रह्मा जी के पास बोले आप क्या ये, ये ऐसा अजीब व्यक्ति बनाए हम लोग भी ऐसे नहीं करते हैं शेर बोला मैं भी तभी खाता हूँ जब भूख लगा होता है मनुष्य तो खाते ही नहीं है जमा करता है हम लोग कभी मारता है पेड़ पौधे काटता है नष्ट कर रहा है आप इसको सबसे ऊपर का दर्जा क्यों दे दिए तो ब्रह्मा जी बोले है तो बात तुम्हारा सही पर मनुष्य के पास कुछ है जो तुम लोग के पास नहीं है क्या है बुद्धि है विवेक है आत्मसत्ता है अब ये सब तो पशु नहीं जानता था बोला अच्छा होगा लौटने लगे फिर आके पशु पूछे एक क्वेश्चन है हमारा ब्रह्मा जी बोले पूछो उपनिषद की कहानी है हाँ ऐसे मन गड़ी है तो पूछा उन्होंने तो ब्रह्मा जी से बोला कि अगर मनुष्य को आप ये सब दिए हैं लेकिन उसका अगर वो उपयोग नहीं करे तो बोले यदि उसका उपयोग नहीं करेगा तो तुमसे भी क्या गुजरा है और यदि उपयोग करेगा तो वो सृष्टि में देवताओं से भी ऊपर जा सकता है तो जो उपयोग करना चाहते हैं वो सब जो ज्ञान इंटेलिजेंस तो क्या करती है महेश्वरी उनके ज्ञान को विशाल कर देती हैं ऊपर तक ले जाती हैं हम लोग जिसको ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान नहीं है इग्नोरेंस है किताब पढ़ लिया दस जगह से इधर उधर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ से ये पैराग्राफ वहाँ से वो सेंटेंस यहाँ शंकराचार्य जी ने यह कहा था उन्होंने वो कहा था ये करके मिक्सअप मैच बोर्ड पर ये ज्ञान नहीं है ये अज्ञान है ज्ञान तो एक निर्जर स्रोत है जो बेहतर रहता है गंगा की तरह और जो महेश्वरी के प्रिय होते हैं उनको वो ये ज्ञान दे देती है वाइडनेस हाइट पिनेकिल्स ऑफ विजडम वो ज्ञान फिर दे देती है जो देवताओं के पास भी नहीं होता है लेकिन जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ब्लाइंडनेस नहीं है तो वह हर किसी के साथ हम लोग ब्लाइंडनेस में एक्ट करते हैं अरे ये मेरा अपना है प्रिय है इसको थोड़ा प्रेफरेंस दे दो वो क्या उसका जात है सर नेम क्या है नहीं नहीं तो हमारे जैसा भाषा भी नहीं बोलता है ये तो इडली डोसा खाता है हम लोग तो दालमा खाते हैं इससे हमारा क्या लेना देना वो तो असुर है राक्षस है उसको दूर करो डिवाइन मदर ऐसे नहीं देखती हैं वो तो ऐसे देखती हैं कि जो तमिल बोलता है उड़िया बोलता है बंगाली बोलता है गुजराती बोलता है जो मूक बधिर है कुछ नहीं बोलता है यहां तक कि असुर राक्षस पिशाच वो भी उनकी संतान है वो कैसे बोलेंगी इसको दूर करो सब उनकी संतान है लेकिन वो सबको उसके लिए जो उचित है उस हिसाब से ले जाती है असुर के लिए ये उचित है कि वो अपने असुर तत्व का दंड पाए तो उसको राम से भिड़ा के उसका कल्याण वैसे करती हैं भक्त के लिए ये उचित है कि वो उसको प्रोटेक्ट भक्त बेचारा क्या करेगा असुर तो मुझे ये शक्ति वो शक्ति भक्त का क्या है कौन है भगवान है <laughs> तो वो उसको उस हिसाब से ले जाती हैं जो ज्ञानी है उनके ज्ञान को उन्नत करती हैं जिनके अंदर अहंकार है उसको वो दबा देती हैं मैं बहुत पढ़ा हूँ शेयरविंद ने ये लिखा है मैंने भी ये समझा है एक बार मेरे से किसी ने कहा हाँ शेयरविंद बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन मेरा व्यू पॉइंट ने मैंने बोला रुक जाइए रुक जाइए आपका व्यू पॉइंट है फिर मैं उनको बोला एक महासमुद्र के सामने एक बूंद गई और बोला मेरा भी व्यू पॉइंट है क्या होगा हो? मालूम है उसके बाद बूंद के क्या होगा मैंने बोला आपका व्यू पॉइंट अपने पास रखिए <laughs> आप ये तो सोचिए किनके साथ आप स्वयं को कंपेयर करके उनका व्यू पॉइंट आपका व्यू पॉइंट कौन है शेरविंद बामा खिपा एक बार बोले किसी ने पूछा बहुत बड़े योगी थे आप मुझे थोड़ा बताइए सुना है शेरविंद नाम के एक योगी कहते अरे मूर्ख अपना इस विष्ठा से भरा जुबान से तो उनका नाम लेता है उनको तो मैंने सूर्य के द्वार से जाते हुए देखा जहां कोई नहीं गया शेरविन से पूछा किसी ने कहते हाँ वो उसने मुझे जाते हुए देखा था वापस आते हुए नहीं देखा था सुप्रमेंटल सन तो ज्ञान की देवी प्रकाश की देवी लेकिन साथ ही उनके अंदर जैसे जैसे ज्ञान आता है ज्ञान के साथ दो चीजें आती हैं मनुष्य के अंदर एक तो विनम्रता आती है लेकिन उससे भी अधिक करुणा आती है जब ज्ञान आता है तो आपको पता होता है हर व्यक्ति अपनी प्रकृति से बंधा है वो बेचारा दंड में भी करुणा होती है एक जगह कहते हैं हर कॉम्पैशन इज एंडलेस दूसरी जगह कहती है कहते हैं कि वही महेश्वरी का रूप शी पनिशेज इन्फ्लिक्ट अपॉन द हो क्यों वो करती है ऐसा न्याय भी एक करुणा है कभी कभी न्याय करना करुणा होता है क्यों क्योंकि जब हम न्याय करते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर कोई प्रवृत्ति का नाश होता है ये बहुत सूक्ष्म सत्य है शेयरविंद कहते हैं कोई तुमको थप्पड़ लगा रहा है तुम कहोगे ठीक है मेरा गाल पर मार लीजिए तो आपने क्या किया आप तो महात्मा बन गया अरे देखो कितना बड़ा महात्मा है थप्पड़ मारा बोला नहीं हमको टॉलरेट करना चाहिए ऐसा एडवाइस दिया था एक महात्मा जी ने जितने भी हिंदू लोग हैं अगर मुस्लिम उनको मारते हैं तो मार जाना चाहिए इससे नए जगत आएगा एक्चुअली नया जगत आएगा उनके मृत्यु के ऊपर नया जगत बनेगा लेकिन आपने क्या किया उससे उससे आपने अज्ञान अचित अंधकार की शक्ति को बढ़ावा दे दिया यही चीज़ श्री अरविंद ऐसे जवंदा गीता में बताते हैं श्री कृष्ण सबके मित्र हैं करुणा से भरे हैं लेकिन वो अर्जुन को क्या कहते हैं स्ले क्या कमांड है ऐसा कमांड साई थी किसी को स्ले इफ बाय स्लेइंग द वर्ल्ड वुड प्रोग्रेस ऐसे नहीं अपना अहंकार के लिए नहीं है अहंकार और ज्ञान का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है तो वो ज्ञान है उनके अंदर हर किसी के लिए जो आवश्यक है वो वो करती हैं वो ज्ञान मानव ह्यूमन ओपिनियन के हिसाब से नहीं चलता है शेरविंद कहते थे आ, माता जी शेरविन से लोग पूछते थे वो व्यक्ति के साथ माता जी ने बहुत समय बिताया वो तो बड़ा भाग्यशाली है माता जी के एकदम पास रहता है माता जी ने उस पर स्माइल किया था शेरविन कहते हैं यदि तुम ये बाहरी चीजों से जज करोगे कभी नहीं समझ पाओगे भगवान की लीला एक बार कहते हैं कि मैं किसी को यदि ज़्यादा समय देता हूं तो तुमको ये लगता है कि वो मेरे ज़्यादा करीब है फिर वो कहते हैं कि मेरा एक काम है असुरों का भी उद्धार करना तो मैं उनको अपने बहुत करीब ले आता हूं अब सोचिए कहते हैं सम ऑफ माई ग्रेट डिसाइपल्स आर ग्रेट असुरा का लिखा हुआ वाणी है कहते है, क्यों क्योंकि उनको पास में लाके उनको चेंज करना है ना आपको आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपका छोटा मोटा सर्दी खांसी तो डॉक्टर क्या बोलता है ये दवाई ले लो जाओ ठीक हो जाएगा जब आपको कोरोना आया तो बोलता है एडमिट हो जाओ <laughs> मैं ये नहीं कहता हूं कि एडमिट होना चाहिए किसी अस्पताल में कभी मत एडमिट होना चाहिए अस्पताल हीलिंग स्पेसेस नहीं है वो पैसा बनाने का प्लेस है वो अलग बात है <laughs> मुझे कोर्ट मत करिएगा तो <laughs> आपका चॉइस <चौईग>, आपका जिम्मेदारी <laughs> पर अस्पताल होना चाहिए हीलिंग स्पेस जहां आप जाएँ तो आपको लगे अरे अब मैं ठीक हो जाऊंगा जाते ही क्या होता है आपका ये ब्लड चेक वो चेक ये एक्सरे डॉक्टर भी इतना सीरियस होके आता है सिस्टर लोग भी क्या हो गया क्या हो गया और मास्क उस्क पहना के कोरोना में लगता है अब बस यमराज ही आने वाले हैं सब <laughs> हो गया खाली अब यमराज के लिए मेरा पैकेजिंग हो गया है ना <laughs> ऐसे थोड़ी होना चाहिए आते ही आपको लगे कि आप एक आनंद जगह पर आ गए हैं शांति सुंदर म्यूजिक हो रहा हो वातावरण में आते ही आपको सिस्टर ग्रीट करें गुड मॉर्निंग डॉक्टर आके बोले यू विल बी ऑल राइट कोई बात नहीं भगवान की कृपा से हैव फेथ एंड ही विल डू एवरीथिंग ऐसा होना चाहिए ना डॉक्टर आके <laughs> दवाई दे लेकिन दवाई के साथ ये सब भी दे लेकिन ऐसे नहीं कि आपको तो क्या करें कैंसर लास्ट स्टेज है दे देते आप मंगा लीजिए एक दस हज़ार का दवाई है पता नहीं ज़्यादातर तो, तो बचते नहीं है वो ऑलरेडी <laughs> साथ में रिलेटिव भी आते हैं कितना सीरियस फेस बना के बहुत बुरा हुआ आपके साथ क्या बुरा हुआ क्या पता वो मृत्यु के बाद भी तो आएगा ना बच्चा बन के आएगा अच्छा नया जीवन कंप्लीट ऑर्गेन ट्रांसप्लांट होगा ये बुरा और अच्छा हम लोग का क्या तो महेश्वरी सच सत्य का ज्ञान देती है अपेरेंट ज्ञान क्या होता है बाहर अरे उमर गया बहुत बुरा हुआ महेश्वरी बोलेंगी व्यर्थ उसका जीवन जा रहा था मैंने कहा आ जा मैं एक तेरे को कंप्लीट ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करके सुंदर नया देह दे के अच्छा जगह भेजूंगी जहां तेरे जो सारे चीज अंदर थे वो सब हिसाब से चले गए तो इसमें बुरा क्या <laughs> बुरा होता है जीवन का दुरुपयोग मृत्यु नहीं ये नहीं कि हम लोग को मृत्यु की कामना करनी चाहिए बिल्कुल नहीं हम लोग को मृत्यु से क्या लेना देना है वो अपना रास्ता हमारा रास्ता दूसरा है <laughs> लेकिन भयभीत नहीं होना चाहिए मृत्यु हो गई तो बहुत बुरा हुआ कभी सुना है अरे ये जीवन को वेस्ट किया खाली घर बनाया खाली ये डिग्री करता रहा रिवार्ड इसी के पीछे भागता रहा कभी बोला है कि इसका जीवन कितना वेस्ट हुआ नहीं सुना ना कभी मृत्यु हो गया तो वेस्ट हो गया यही क्या चीज हुआ वो तो एक सेकेंड चांस जिंदगी मिलेगी दोबारा हम लोग ये नहीं मानते कि नहीं मिलेगी दोबारा हम कहते हैं दोबारा तिबारा <laughs> बार बार मिलती है इवोल्यूशन के लिए तो वो सब माहेश्वरी जी ने प्लान करके रखा है लेकिन वो लंबा प्रोसेस है लगता है ना कभी कभी इतना लंबा नहीं होना चाहिए तीन सौ साल हजार साल हमको शीघ्रता से चाहिए तो फिर शीघ्रता से जब चाहिए तो कौन आती है महाकाली नाम ही देखिए काल काल की गति टाइम आप कुछ भी करिए आपका टाइम के अनुसार होगी? आपका वेट लिस्टेड में रहता है फिर आर में आता है फिर आपको कंफर्म्ड सीट मिलती है ऐसे होता है ना लाइफ में तो ऐसे ही होता है जीवन चल रहा है वेटिंग लिस्ट में है फिर आपका कह अच्छा ठीक है अब हमको भगवान करने वाले हैं स्वीकार मन में फेत आ रहा है एस्पिरेशन फिर वो कहते हैं कन्फर्म तब आपको लगता है डिवाइन मदर सब कुछ है इनके बिना कुछ नहीं हो गया कन्फर्म फिर यात्रा चलेगी लेकिन महाकाली आती क्या कर रहा यहां? है तू यहाँ वेट लिस्टेड क्यों देखिए मेरा अंदर ये सब ये समस्या है वो प्रॉब्लम है क्या समस्या है एक क्षण में निर्मूल करती हैं लेकिन सबके ऊपर ऐसे नहीं काम करती हैं, क्योंकि जब उनका तलवार गिरता है ना आदमी डर जाता है घबरा जाता है तो जो कमजोर हृदय का है वो तो, तो उनके दर्शन मात्र से घबरा जाता है और जो स्ट्रांग है जो हीरोइक है वो कहता है मां वेट लिस्ट में कब तक खड़ा रहूंगा <laughs> चारों तरफ असुर राक्षस क्या मेरे अंदर प्रवृत्तियां भरे आप ही कुछ करो तो कहती फेथ और क्षण भर में निर्मूल कर देती है लिटरली वो और बात है कि हम लोग फिर बुलाते हैं हम लोग मिस करने लगते हैं वह सुर कितना अच्छा था वो राक्षस ला के रसगुल्ला तो खिलाता था फिर बुलाते हैं फिर वो करती हैं क्योंकि वो तो स्विफ्ट है कभी कभी ज्यादा करने से वो कहती तेरे को ही मैं बदल देती आमूल चूल परिवर्तन स्विफ्ट तीक्षण तीव्र बल से भरी हुई उनका सामने कोई टिक नहीं सकता है कोई बाधा नहीं रुक सकती है राक्षस, ससुर पिसाद भाग जाते हैं महेश्वरी के पास कहते हैं आप हमारी भी हो, महेश्वरी कहती है हाँ तुझे दंड भी दूंगी तो करुणा से दूंगी काली की करुणा ही यह है कि वो नष्ट कर देती है अपने मूल प्रकृति में चला जा लेकिन उनके हृदय में अपार प्रेम है वो जो भी करती प्रेम से वो जब विनाश भी करती है तो अपार प्रेम से क्यों उस विनाश के द्वारा ही मार्ग खुलना है शी इज द मदर ऑफ डिवाइन लव लेकिन वो ऐसा वाला प्रेम नहीं है कि क्या चाहिए तुमको बच्चा घोड़ी गाड़ी चल मैं दे देती हूँ ऐसा वाला प्रेम नहीं है वो वो करती हैं जो सच है सत्य से मूव होती हैं बल्कि अगर आई देखा गाड़ी के कारण ये बहुत ज्यादा बस उसी में रमाए तो घोड़ा गाड़ी ले लेंगी हटा देंगी अब चल तू पैदल चल माँ कैसे चलूँगा हूं चल मेरे साथ ऐसा उनका एक्शन होता है अंदर की बाधा बाहर की बाधा सब कुछ निर्मूल करने की उनके अंदर पावर है तो व्यक्ति बोलेगा ये तो बहुत घबराने वाला बात है हमको तो थोड़ा अच्छा से स्मूथली म्यूजिकली रिदमिकली ब्यूटिफुली ये यात्रा में जाना है तो मां की थर्ड पावर है कौन है महालक्ष्मी उनको सब वेलकम करते हैं महाकाली का वेलकम के लिए हीरोइज्म होना चाहिए महेश्वरी के लिए एक विशालता होना चाहिए ज्ञान है सब ही होता है मृत्यु में भी ग्रेस है नहीं 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 नहीं, नहीं ये सब बहुत कठिन है देखना महाकाली आके एक क्षण में यहां से वहां ले गई अब आप बोलिए वो लो लोग जो मेरे संगी साथी थे वो कहां चले गए महालक्ष्मी कहती है मैं सबको लेके जाऊंगी सुंदर रिद्म के साथ तो वो क्या करती हैं सबको प्रेम के सूत्र में बांधती हैं उन्हीं के कारण ये तारे नक्षत्र सब कुछ एक तालबद्ध गति से लयबद्ध गति से अपने अपने जगह पर चल रहे हैं हारमोनियसली उन्होंने ही सबका गति ताल अक्सर लोग कहते हैं ना कहा है, म्यूजिक देखिए सृष्टि में म्यूजिक है ये म्यूजिक सुनने के लिए बाहर से नहीं सुन सकते हैं लेकिन अंदर में सुन सकते हैं इस म्यूजिक को तारे नक्षत्र सबका म्यूजिक है पानी के अंदर म्यूजिक है सब चिड़िया के अंदर म्यूजिक है मनुष्य को भी अपना वाणी में म्यूजिक लाना चाहिए तो कितना अच्छा हो कोई भी आप शब्द ना कहे सुंदर सुंदर तो वो क्या है सारी सृष्टि को सौंदर्य से तभी तो लोग बोलेंगे हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जाएंगे महाकाली के प्रोसेस से तो घबरा जाते हैं तो महालक्ष्मी जब आती हैं हर चीज सुंदर वो कैसे कार्य कर, करती हैं आपके विचार जहाँ असुंदर हैं उसको सुंदर बनाने लगती हैं असुंदर विचार क्या होता है केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना इससे ज़्यादा असुंदर कुछ नहीं होता है केवल अपने बारे में सोचना असुंदर और उससे भी ज़्यादा जो असुंदर है दूसरे के बारे में अहित सोचना इलविल ये तो बहुत ही भयानक है वो जब हिलविल वगैरह देखती हैं तो वो कहती हैं मैं पीछे अभी तुम इतना तो तैयार हो जाओ फर्स्ट स्टेप जब वो देखती है मनुष्य के हृदय में घृणा ईर्ष्या ये सब है तो कहती है अभी नहीं अभी काली जी को आने दो थोड़ा फेंकने दो ये पिकार की चीजें तब मैं आऊंगी क्योंकि वो लावण्यमयी है माँ लक्ष्मी को महालक्ष्मी को आने के लिए हमको सौंदर्य की उपासना करनी है भारतवर्ष में एक परंपरा थी जब लड़की घर में आती थी तो क्या बोलते थे उसको कौन आई है लक्ष्मी आई है और जब वो शादी करके घर में प्रवेश करती थी तो क्या बोलते थे सेम लक्ष्मी आई है और जब हम उसको मिस्ट्रीट करते थे तो लक्ष्मी जी क्या बन जाती थी काली होता है ना अभी भी होता है ना लक्ष्मी जी आई मिस्ट्रीट क्या तो काली बन गई अभी तुम लक्ष्मी के लिए तैयार नहीं हो पहले काली फिर लक्ष्मी पहले काली अंदर से वो बड़े बड़े भयानक चीजें वो सब गाली गलौज ये सब चीज ये तो महालक्ष्मी ऐसा वातावरण में नहीं आएंगे ओ पीछे डिवाइन डिस्गस्ट सीजेज अपॉन हर यहां मदर काली विल कम अच्छे से खूब अच्छे से उनका पहले हम लोग को पीटेंगी लोग बोलते हैं ना काली माता उधर काम क्यों नहीं करती हैं लोग उसका ऊपर काली माँ उसको नष्ट क्यों नहीं करती है कोई क्यों नहीं करती है तो मैं बोलता हूँ उनको अगर आएंगी सबसे पहले तेरे से तेरा हिसाब मांगेगी तो पहले बता तेरे अंदर क्या क्या है कभी किसी को गाली नहीं दिया हाँ माँ दिया हूँ तो पहले तो तेरे को मैं ट्रीट करती हूँ <laughs> एमरजेंसी ट्रीटमेंट उसके बाद बाकी जगह जाऊँगी फिर जब ग्राउंड तैयार हो जाता है सांप बिच्छू चले गए तब लक्ष्मी जी आती हैं प्रवेश करते हैं जब वो आती हैं तो सारा जीवन सौंदर्य से भर जाता है विचारों में सौंदर्य भावनाओं में सौंदर्य असुंदर भाव क्या होता है मेरा फायदा हो उसका नहीं हो वो, वो आगे बढ़ रहा है मैं क्यों नहीं साधना में भी आता है वो इतना बड़ा साधक हो गया मैं भी मैं को भी योगी बनना है सब असुंदर भाव है सुंदर भाव क्या है माँ तेरे ही हम पुण्य कर्म करें जन्म जनम, जनम आए तेरी सेवा करें सुंदर भाव क्या है सबके प्रति एक सुंदर सद्भावना प्रेम और सद्भावना सबका कल्याण हो सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी सबका कल्याण हो ये नहीं कि माँ मेरा अच्छा हो जाए मेरा अच्छा हो जाए मैं पास हो जाऊँ मैं फर्स्ट आ जाऊँ अब नेचुरली आप फर्स्ट आएंगे तो दूसरा तो सेकंड आएगा अब पड़ोसी को देखा कि पड़ोसी तो बहुत प्रोग्रेस माँ उसका पास चार गाड़ी क्यों आ गया मुझे और कुछ नहीं घोड़ा गाड़ी दिला दो ऐसा घर में महालक्ष्मी नहीं आती है आपको पता नहीं है वो जितना गाड़ी उतना बड़ा बेड़ी चार गाड़ी मतलब चार लोहा का बेड़ी <laughs> और जिसको प्यार करती बोलती एकला चलो रे <laughs> तो प्रेम वो लिखा है प्रेम माल महालक्ष्मी का प्रेम को वहन करने के लिए आप मेरा सीमित परिवार में यह नहीं होता है एक टेगोर का पोयम है ना जाके तुम्हें बहित चाहो अपार प्रेमे भार एक बारे सबे तुम्हें घोचाए दाओ तार ना था के तार मान अपमान ना था के तार धन फिर उसको क्या करते हो एकला तुम ही अकिंचन। सब जब चला जाता है तब हम महालक्ष्मी का वेल्थ के लिए तैयार होते हैं ये मेरा है ये मेरा है महालक्ष्मी को ये उदार हैं, वो विशाल हैं, वो सबका है जब हम वेल्थ के साथ कहते हैं ये डिवाइन के यूज के लिए है मेरा है मेरा सात जनरेशन लोग बोलते थे पुराने समय में इतना कमा लिया है कि सात पीढ़ी मेरा इस पर बैठ के खाएगा कभी कभी लोग ऐसे बोले हैं मुझे तो मैं बोलता हूं कि इतना बड़ा घोर अनर्थ कर दिया आपने एक पीढ़ी खाएगा दूसरा बर्बाद होगा तीसरा पता नहीं क्या बनेगा बैठे बैठे आप उसको धन दे रहे हैं ऐसा जगह महालक्ष्मी नहीं आती है। महालक्ष्मी मेरे पास ये धन जो आपने दिया है ये सुंदर यूज़ के लिए हैं कैसे सुंदर यूज़ है सुंदर यूज़ ये नहीं है वहाँ कंबल बांट दिया यहाँ खाना दे दिया ये नहीं है उससे तो आप और बेचारे के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं हफ्ता में एक दिन किसी को आप हलवा पूड़ी दे रहे हैं बहुत अन्याय है ये छह दिन उसका जीवन बर्बाद कर दिया आपने देना है तो रोज दीजिए नहीं दे सकते तो मत दीजिए अब छः दिन वो क्या सोचेगा उसको नॉर्मल खाने से खुश नहीं रहेगा अब बोलेगा मेरे को हलवा पूड़ी का मिलेगा सातवा दिन बेचारा एंजॉय नहीं कर पाएगा यह धन का सदुपयोग नहीं है धन का सदुपयोग क्या है सौंदर्य को क्रिएट करने के लिए आपके घर में वास तो लाते हैं माता जी का फूल रखने के लिए एक सुंदर सा वास कोई जरूरी नहीं महंगा वास महंगा और सुंदर दो अलग चीज है मैंने तो देखा है उड़ीसा में देखा है कितना अच्छा एक मट्टी का उस पर कितना अच्छा कलाकृति करते हैं अभी मैं नैनीताल गया वहां से एक दिया इतना सुंदर ये सुंदर भाव है ये सबसे उनको बहुत अच्छा लगता है घर में सौंदर्य ये नहीं जो चीज जहाँ जैसे जैसे कपड़ा उठा इधर फेंक दिया ब्यूटी इन लाइफ ना केवल विचारों में, में ब्यूटी भावों में ब्यूटी बट ब्यूटी इन लाइफ एंड सराउंडिंग्स किसका वेलकम कर रहे हैं लावण्य का कहा वो किनको छोड़ के आई है विष्णु भगवान सो रहे हैं तो आ गई हैं थोड़ी देर के लिए अब चक्रधारी का चक्र उठ गया देखेंगे मिस्ट्रीट हो रहा है तो क्या होगा यही रावण की कहानी है सीता जी की ले गया था वो प्रेम करता था ऐसे ही बोला ना उसने प्रेम के वश ले गया लेकिन प्रेम के लिए जो हृदय चाहिए वो नहीं था प्रेम पजेस करना नहीं है प्रेम मुक्त करना है तो ले आया माता सीता ने कहा प्रेम तो करता है राक्षस जैसा करता है शायद बदल जाए टाइम दिया उसको नहीं बदला तो काली रूप में आ गई विनाश हो गया उसका तो महालक्ष्मी ऐसी है उनको ब्यूटी एंड हारमनी सामंजस्य घर में लड़ाई झगड़ा वही जो कल बात हो रहा था मैन कैन नॉट लिव विदाउट क्वारलिंग चार दिन झगड़ा नहीं होता है तो वाइफ हस्बैंड से पूछती है, आपका तबीयत ठीक है और हस्बैंड उससे भी ज़्यादा हस्बैंड वाइफ से पूछता है क्या बात है क्यों क्या हुआ गुस्सा नहीं लोग ऐसा बोलते हैं ना गुस्सा आना मतलब अपनापन ये क्या है थॉट हम लोग का ये क्या विकृति है गुस्सा में अपनापन अरे गुस्सा में क्यों अपनापन ये तो जस्टिफाई कर दिया हमने गुस्सा कर रहा है तो उसको प्रेम और अपनापन है ये कोई तरीका <laughs> माने ये तो पहला बार सुन हम लोग बोलते हैं ना गुस्सा करना मतलब मैं बहुत अपना समझती हूँ इसलिए मैं गुस्सा करती हूँ अरे प्रेम भी तो <laughs> प्रेम स्नेह ये सब जो हृदय के सुंदर भाव हैं कोमल भाव हैं ये होता है महालक्ष्मी का और गुस्सा करने वाली देवी तो फिर काली जी आ गई ठीक है काली भी बन सक नारी के अंदर सब हैं काली भी अगर बनती है तो आप प्रणाम कीजिए क्षमा मांगिए पाँव में लग जाइए डिबेट डिस्कशन मत कीजिए काली के सामने कोई टिक नहीं सकता है जय काली माँ ऐसे करिए लेकिन गुस्सा क्यों करें हम हाँ प्रेम से काम करें तो प्रेम सामंजस्य हारमोनियसली हारमोनी का एक सूत्र क्या है एक सूत्र बहुत सारे सूत्र हैं दो सूत्र एक ह्यूमन सूत्र एक डिवाइन सूत्र ह्यूमन सूत्र है कि उन कॉमन चीजों को देखना जो हम सबको बांधती हैं उन चीजों पर फोकस नहीं करना जो डिवाइड करती हैं सिंपल सी एक बात है अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं इतना सुंदर भाव हो रहा है हम लोग किस भाव में एक जैसे एक दूसरे को है ना एक परिवार है कि नहीं है एक परिवार है ना इस समय तो पक्का है क्यों हम लोग किन के प्रकाश में हैं माँ के प्रकाश में और अभी शुरू हो जाएगा कौन सा भाषा बोलते हो कौन सा जाति है कौन सा है तो शुरू हो जाएगा डिवीजन शुरू हो गया है ना तो सुंदर भाव जब शेरविन से नलिदा ने पूछा वॉट इज द सीक्रेट ऑफ हार्मनी शेरविन ने कहा यूनियन इन द मदर कोई बाहरी उपाय से आप हारमोनी नहीं कर सकते हैं पास वाला डिसहारमोनी में है आप उसको मत ध्यान दीजिए वो गुस्सा कर रहा है कुछ भी बोल रहा है उस पर फोकस मत करिए आप फोकस करिए अपने ही अंदर प्रे करिए उसके लिए जो गुस्सा कर रहा है वो बेचारा कितना तकलीफ में है उसका इस समय दांत नहीं सांप का विषदंत आ गया है तो प्रे करिए माँ इसका विषदंत निकाल दो बेचारा जहार को अपने अंदर रखे जहार उगल रहा है इसको फ्री कर दो माँ तो ये हारमोनी उससे आता है लेकिन गुस्सा में गुस्सा मिल क्या होता है बहुत एक्सप्लोजन होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो डिवाइन मदर को ये लक्ष्मी के रूप में ये सब पसंद है ऐसे उनका पूजा होता है लेकिन जीवन में बहुत सारे छोटे 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 चीज़ें जुड़े हुए हैं उनको कौन मैनेज करेगा उनको कौन देखभाल करेगा और वो छोटी छोटे चीज़ें केवल बाहर नहीं है शरीर के अंदर देखिए एक एक नर्व एक एक कोशिका एक एक मतलब जैसे काम करती ना एज ए डॉक्टर में बता रहा हूँ जब मैंने शरीर का रचना पढ़ा मुझे लगा ये तो जो भी डाउट है भगवान का वो कंप्लीट हो गया ये भगवान ही बना सकता इतना अद्भुत एक एक नर्व केवल एक एक सिस्टम उठा लीजिए आप देखिए ब्लड है ना आपका हार्ट चलता है हार्ट बीट एक, एक एवरेज जो भी सिक्सटी टू हंड्रेड के बीच में सत्तर अस्सी के बीच में रहता है अब देखिए ये ओरिजिनल हार्ट जो पाँचवा महीना से गर्भ में शुरू होता है बिना वारंटी कार्ड के आप कितना नुकसान करते हैं लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं पिज्ज़ा जितना भी मैं तो खाली वेस्टर्न खाना का बोलूंगा इंडियन खाना बहुत अच्छा है पूरी सब्जी भी <laughs> ये सब खा के नष्ट करते हैं चीज नहीं ठीक है थोड़ा तला हुआ चीज भी हो गया फिर भी चलता रहता है ज्यादातर लोगों में सत्तर पचहत्तर खींच लेगा ये देखिए क्या अद्भुत बात है कैसे इसका रचना हुआ है आपको बोला नहीं पड़ता ये देखो अभी मैं सोने जा रहा हूं ठीक से चलना कैसे चलता है आप नींद में हैं पर चल रहा है धब 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 धप धब कैसे नर्वस सिस्टम एक पूरा नर्व आ रही यहां से आ रही ऐसे आ रही उसमें थोड़ा सा चूक हो जाए तो हार्ट का धब 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 ऐसे शुरू हो जाएगा लेकिन एकदम वो माइक्रो मिली सेकेंड तक आती है करेक्ट एक एक चीज का रचना अगर हम देखें पेड़ का पत्ता को ले लीजिए दो पत्ते एक जैसे नहीं है से लगता है एक जैसे हैं उनके ऊपर वेरिएशन है दो फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं है एकदम एक, एक जैसे जो दिख रहे हैं वो भी एक जैसे नहीं है कितना वेरिएशन कितना सारा समुद्र तट पे इतने इतने पेबल कैजुअली पड़े हैं उसमें भी आप देखिए कभी केवल समुद्र से सीपी उठाने का जो कितना सुंदर सुंदर गढ़े हुए हैं ये सारे जो फूल पौधे कैसे ये रचना हुई है एक एक डिटेल में अगर आप जाएंगे तो भगवान का कार्य दिखता है एक एक अणु को एक अणु के अंदर कैसी रचना है देखिए इतना छोटा है परमाणु लेकिन कैसे अगर आप उसको मैग्नीफाई करके देखें तो एक कोर में एक कुछ है चारों तरफ सर्किट इलेक्ट्रॉन एकदम घूम रहा है उसको भी है कि देखो दो या आठ रहना बाहर में उल्टा पुल्टा में नहीं करना वो एकदम वैसे ही रहते हैं गैलेक्सीज ड्रिफ्ट कर रही हैं सीजन्स एक एक चीज के विस्तार में डिटेल में जो शक्ति काम कर रही है वह है महासरस्वती की तो अब हम लोग का ओरिजिनल घर पहले ब्लूप्रिंट बना फिर ब्लूप्रिंट बनाया महेश्वरी जी ने माँ महेश्वरी ने फिर वो जमीन से जितना सांप बिच्छू सब भगाने का काम किया महाकाली ने अभी ग्राउंड ठीक हो गया अब महालक्ष्मी ने एक घर बनाया सुंदर सा घर बनाया अब सरस्वती आके उसके एक एक डिटेल में यहाँ पर बिजली लगेगा इस कलर का कर्टेन लगेगा यहां नेल मत मारो ये नहीं कि तुमको जहां मन किया नेल उठा के मार दिया नहीं ये नहीं कि नेल को आप पत्थर लेके मारोगे तो कहेंगे मैं नहीं करूंगी ऐसे मैनेज तो लास्ट में जो यंगेस्ट है वो महासरस्वती हैं यंगेस्ट जो है वो महासरस्वती हैं और उनका काम अभी तक चल रहा है कलयुग की वो देवी हैं और ये युग उन्हीं का युग है साधना में जब वो आती हैं तो ऐसे नहीं कि हाँ मुझे बहुत सुंदर एक अंदर एक्सपीरियंस हुआ वाह मैंने एक विजन देखा वो कहती है हाँ विजन देख लिया अच्छा है अभी हृदय में प्रेम आया नहीं नहीं विजन, विजन का ही अहंकार हो गया विजन का वॉइसेस का वो हो गया महेश्वरी ने ज्ञान भी डाल दिया अब महाकाली आती है नीचे भी देखो विजन जहाँ देखा वो भूमि अलग है तुम अपने निम्न प्रकृति को देखो वो आके वहाँ कटाई छटाई फिर महालक्ष्मी आती हैं हृदय में सुंदर भाव नहीं है क्या करोगे देख के फिर हृदय के अंदर सुंदर फिर महासरस्वती एक एक डिटेल में वाणी में तुम्हारे वो शब्द ठीक नहीं था अब ये किसका काम हो रहा है महासरस्वती का जेस्चर पोस्चर में भारतवर्ष किस हद हाँ तक गया था हम लोग करते ना किसी को अगर जाने को बोलना है तो कैसे कैसे बोल सकते मेरे से वो जेस्चर होगा नहीं कभी कभी बहुत ऐसे करके बोलते हैं ना जा मेरा सामने से जा और दूसरा कृपया आप प्रस्थान कीजिए आता ना एक उड़ीसा में बड़ा सुंदर अनाउंसमेंट होता है ट्रेन का बहुत अच्छा लगता है कानों को यात्रीगण कृपया क्या बोलते हैं हाँ इतना अच्छा लगता है माने सुन के लगता है म्यूजिक फिर मैं भूल जाता हूँ आगे क्या बोल रहे हैं कितना देर कितना वही सुन के इतना आनंद आता है रियली मैं बता रहा हूँ मेरे को आगे बढ़ने में मुश्किल होता है मैं पूछता हूँ ये क्या बोले हैं कितना देर ट्रेन लेट है जल्दी यात्रीगण कृपया ध्यान उसका बाद तो आगे मतलब एकदम लगता है म्यूजिक आ रहा है ऐसे ही बोल सकते हैं पैसेंजर्स प्लीज नोट ट्रेन इज कमिंग आपको सुन के लगे भागो बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाला है डिटेल्स में किसी को आप भोजन देंगे कैसे देंगे खा लीजिए कैसे देंगे किसी से मिलेंगे हाय अजीब लगता है ये क्या तरीका है लगता है कि जाओ हाय चले जाओ पास मत आना हम लोग कैसे करते हैं नमस्ते देखिए कितना सुंदर है ना ये मुद्रा ही कितना सुंदर है नमस्ते और कुछ नहीं तो नमस्ते इसमें लगता है मेरे यहाँ पर हैं आप यहाँ पर आइए इससे क्या लगता है जाइए मत आइए हाय ये जब हम करते हैं तो लगता है दिल में यहाँ आइए <laughs> कितना अच्छा है ना भाव ये मेरे अंदर के भगवान से आपके अंदर के भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ कितना सुंदर एक एक जेस्चर में डिटेल्स में जाती हैं वो कोई विचार आपसे छुप उनसे नहीं छुपा होगा हाँ हाँ पता है तू बहुत अच्छा बोला लेकिन तेरे अंदर एक हल्का सी विचार आया था वो डिटेल में उसके काम चल रहा है तो वो एक एक चीज पर बहुत विस्तार से काम करे इसीलिए उनका काम सबसे लंबा होता है इसीलिए उनके अंदर बहुत पेशेंस है इसीलिए वो बेस्ट काउंसिलर हैं इसीलिए क्योंकि वो सबको आशा देती है उनको पता है कि ये काम एक दिन दो दिन में नहीं होता है काली कहती है, मैं करूँगी एक दिन में लेकिन उनका कौन तेज सहन करेगा महा सरस्वती कहती अब ये काम मैं करूंगी कोई बात नहीं है माँ कितना समय लगेगा समय मत देख काम पूरा होना पूर्ण होना चाहिए जब खत्म करूंगी तो कोई भी कोना गड़बड़ नहीं होगा सब कुछ परफेक्ट होगा पूर्ण होगा जो चीज जहां होना चाहिए तेरे अंदर के जीवन में बाहर के जीवन में भी बाई वे वैसा होगा विस्तृत ज्ञान आप देखिए जब म्यूजिक का होता है ना सरस्वती जी बिना अब आप म्यूज़िक हम लोग सुनते ना सब प्रोग्राम आता है अरे बड़ा अच्छा वो लड़का बहुत अच्छा गाया वो देखिए वो उड़ीसा का लड़की है कितना अच्छा गाई लेकिन जब म्यूज़िक वहाँ बैठे ना वो कहते हैं तुम्हारा ये नोट थोड़ा ठीक नहीं था <laughs> पकड़ते हैं ना ये होता है परफेक्शन हर चीज़ कोई चीज़ मिसिंग नहीं हो हर चीज़ एकदम परफेक्ट टाइम परफेक्ट जगह वो डिटेल में जो कार्य करती है वो महासरस्वती तो अब ये हम लोग को क्यों पता होना चाहिए केवल इसलिए नहीं कि ये चारों का काम हो रहा है इसलिए कि हम लोग के यहाँ क्या है पूजा करने का विधान है हम लोग पूजा करते हैं तो कैसे पूजा करें अब शेरविंद हम लोग को एक नया तरीका बता रहे हैं हम लोग पूजा में क्या करते हैं ये मंत्र कर दिया वहाँ जा कर के हमने पुल चढ़ा दिया एक मूर्ति रख दी नहीं महेश्वरी का पूजा कैसे होगा मन में विशालता लाके उच्च लाके ज्ञान को धारण करके करुणा लाके तब महेश्वरी प्रसन्न होती है उनका पूजा हो रहा है महाकाली का पूजा कैसे होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंक ये नहीं अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के दर्शन डे पर मां देखिए मैं कितना अच्छा हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड मां मेरे अंदर ये अवगुण है हजार बार आप गिरोगे हजार बार जाके उनसे कहोगे मां ये दोष है मेरे अंदर मुझे निर्दोष बनाइए बनाएंगी शी विल डू इट कितना झटका देंगी वो अलग बात है बट शील डू इट सिंसेरिटी सच्चाई के साथ अगर हम सच्चे होंगे तो ये महाकाली का पूजा है हम झूठे होंगे जाके मूर्ति का सामने हम पंडाल में महाकाली बगल में महिषासुर का दुकान ये नहीं चलेगा यही करते हैं ना उधर ये खाने का उधर वो डांस चल रहा है इधर ये म्यूजिक वहाँ आएंगी भी नहीं आ गई तो सब जल जाएगा इसलिए वो नहीं आती ऐसी जगह पर तो सच्चाई ये जब हम सच्चे होते हैं सत्यनिष्ठ होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं अंदर में कुछ छिपा हुआ है बाहर कुछ तो महाकाली को नहीं पसंद है उनको पूजा करने का ये विधान है महालक्ष्मी को पूजा करेंगे सौंदर्य बोध के साथ प्रेम मधुरता ये सब उनको प्रिय है हर चीज में माधुर्य वैसा वाला मिठाई नहीं पसंद है जो पता नहीं चल रहा है है कि नहीं उनको तो वो रस कदम मिठाई के अंदर मिठाई रस माधुरी इतनी मधुरता से भरी हुई है प्रेम से लावण्य से सौंदर्य बोध और महासरस्वती का पूजा कैसे करेंगे पेशेंट होकर धैर्य धारण करके हर चीज़ के डिटेल में जाके उसको कैसे करना है विधि पूर्वक विधि विधान से एक कील भी ऐसा जगह नहीं लगना चाहिए जहाँ उसका स्थान नहीं है कहाँ होना चाहिए विल गाइड यहाँ नहीं यहाँ पर किल नहीं वो दूसरा तरह का चीज़ जो सुंदर लगे ये सब चीज़ के डिटेल में जाकर जीवन के महासरस तो जब हम अपने अंदर ये परिवर्तन लाते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं भगवान को बाहर की पूजा नहीं पसंद है वो कर सकते हैं हम कोई वो नहीं लेकिन मुख्य चीज़ है हमारे जीवन को जब हम ऐसे गढ़ने लगते हैं तो उनको प्रिय होता है तब भगवान हमारे अंदर ग्रो करते हैं और हम भगवान के कार्य के लिए प्रस्तुत होते हैं और इन सब के बाद में अंत में श्री अरविंद कहते हैं ये तो तैयार करती हैं पात्र को ज्ञानवान करती हैं बलवान करती हैं प्रेमवान करती हैं पूर्णता की ओर ले जाती हैं लास्ट में हम तैयार होते हैं आनंद के लिए और उस डिवाइन लव के लिए जो माँ के हृदय में है उसके पहले नहीं श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि मैं तो कृष्ण जी का भक्त हूँ तो वो कहते हैं कि हमारा हम वही काम कर रहे हैं टू ब्रिंग द डिवाइन लव एंड आनंदा हम चाहते हैं कि वही आए लेकिन अभी उसके लिए मनुष्य तैयार नहीं है पहले सत्य की चेतना सुप्रमेंटल देन द डिवाइन लव एंड आनंद तो ये चार महाशक्तियां हैं उनका कार्य हम सब के अंदर होता है सारे सृष्टि में छिपा हुआ है कोई कोई लोग तैयार हो गए उनके काम के लिए डायरेक्ट एक्शन के लिए पहले ये चारों हमारे मन को विशाल उच्च करुणा में ज्ञान में बनाती हैं महाकाली हमको धीरे धीरे निर्दोष करती हैं जो बड़ी बड़ी बाधाएं निर्मूल करती हैं महालक्ष्मी हृदय के अंदर एक सुंदर मधुर प्रेम डालती हैं महासरस्वती एक एक विस्तार में जाके कार्य करती हैं तब हम तैयार होते हैं फॉर द सुप्रमेंटल महाशक्ति तब वो बना के हैंड ओवर कर देती हैं अब आप संभालो और वो चारों देवियाँ साधक के अंदर एक होकर के डायरेक्ट एक्शन ऑफ द डिवाइन मदर प्रारंभ हो जाता है दिस इज अबाउट द फोर ग्रेट पावर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द डिवाइन मदर एब्सोल्यूट परफेक्शन में लीड टू रिजिडिटी ओके okay, बहुत अच्छा प्रश्न है आई अंडरस्टैंड परफेक्शन वर्ड का जो नॉर्मल मायने होता है मीनिंग वो एक रिजिडिटी uh, के रूप में होता है ये चीज़ यहाँ यहाँ या ऐसे है ना, कि ये चीज़ यहाँ रखा है ऐसे बट जो उसका रियल सेंस है जो परफेक्शन का उसका ये है उसको उदाहरण दे हम बताएंगे उसका ये है कि हर चीज़ का अल्टीमेट विकास और उन चीज़ों का परस्पर सामंजस्य और फिर उनकी संपूर्ण व्यवस्था तो अब जैसे ह्यूमन परफेक्शन किसको बोलेंगे ह्यूमन परफेक्शन ये नहीं होता है कि हम तो बस निर्णय ले लिए हैं हम तो आठ बजे खाना खाएंगे ये हमारा आइडिया होता है वो रिजिडिटी को ले आता है वो परफेक्शन नहीं है पर अगर आप ये बोलोगे मेरी जितनी भूख है उसके अनुसार मैं खाना खाऊंगी तो वो एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं परफेक्शन का एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी यहां पर इस टेबल के अंदर ये चीजें पड़ी है, है ना किसी को लगे ये ऐसे होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, है ना? ये थोड़ा ऐसे सेंटर में होने से टेबल क्लॉथ अच्छा लग रहा है, है ना ये बिगनिंग है अब ये टेबल किस कंटेक्स्ट में है आसपास कौन से रंग हैं हरे रंग हैं ये रंग है तो इस पर टेबल क्लॉथ कैसा होना चाहिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ये किसके कंटेक्स्ट में है तो परफेक्शन एक कॉन्स्टेंटली एवर चेंजिंग इवॉल्विंग एक लेवल पर आपको एक सीमित दायरे में परफेक्ट लग रहा है ना ये एकदम बढ़िया है सब कुछ है परफेक्ट अब आप ग्रो किया आपका विजन ग्रो किया आपने ज़्यादा देखा या कोई किसी ने लाके एक और ग्लास यहां रख दिया अब आपको इसको इसके कंटेक्स्ट में अरेंज करना है तो परफेक्शन एक डेड एंड नहीं है जहां परफेक्शन को डेड एंड समझते हैं वहां पर वो रिजिड हो जाता है एक समय एक काल के लिए एक तरीका उपयुक्त होता है इसीलिए प्लास्टिसिटी जरूरी है जैसे एक आप शुरू में आपको एक उदाहरण देता हूं एक वर्चुअज की बात करता हूं परफेक्शन का कर्ण के अंदर दानवीरता है और ग्रैटिट्यूड है कृतज्ञता है ग्रैटिट्यूड क्या है एक अच्छी क्वालिटी है दानवीरता भी बहुत अच्छी क्वालिटी है और जब शुरू शुरू में जब कर्ण को राजा राज्य मिलता है तो वो बहुत सुंदर है कर्ण का चरित्र का देखो वो मुझे राज्य दिया है मैं उसके साथ हूँ लेकिन जब कर्ण का आत्मविकास होता है और वो जान जाता है कि दुर्योधन कुकर्मी है अधर्मी है अब उसको क्या करना चाहिए धर्म का साथ देना चाहिए सत्य का साथ देना चाहिए या रिजिडली नहीं तो मैं तो उसको प्रॉमिस किया हूं सदा सदा के लिए मैं उसका गुलाम हो गया हूं वो चीज गलत होगी अब इवोल्यूशन के हिसाब से आपका परफेक्शन भी ग्रो करेगा तो उसी प्रकार से परफेक्शन एक इक्विलिब्रियम है एक हारमोनियस बैलेंस है इसका एक दूसरा उदाहरण ऐसे कि आप एक तराजू है तो उसमें देखा है ना परफेक्शन का एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है सचमुच का तराजू ऐसे नहीं तो आपने इधर में एक, एक किलो रखा इधर आम रखा अब आपने एक आम एक्स्ट्रा रख दिया हटाते हैं तो वो कम होता है डालते हैं तो ज़्यादा होता है अब आपने क्या किया इधर ढाई ग्राम और रख दिया अब यह ज़्यादा हो गया अब आपने एक छोटा सा आम उठा के इधर रखा अब क्या हो रहा है ये बैलेंस इक्वलिब्रियम ये चेंज होता जा रहा है हमारे ही अंदर जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो जितना हमारा सीमित ज्ञान होता है उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं लेकिन जब ज्ञान का विस्तार होता है तो हमको हमारे अंदर चेंज आता है तो परफेक्शन भी पूर्णता लव ह्यूमन लव मैं इस समय लव का निम्न रूप का बात नहीं कर रहा हूँ ह्यूमन लव सुंदर है ह्यूमन लव का क्या नियम होता है किसी ने मेरे साथ अच्छा किया है तो मुझे उसके साथ अच्छा मिनिमम मिनिमम और भी बहुत कुछ होता है केवल ह्यूमन लव में यहाँ तक जा सकता है कि टू गिव कम्प्लीटली किसी ने कुछ दिया या नहीं दिया पर मिनिमम आप अच्छे के साथ अच्छा करते हो है ना डिवाइन लव कैसे काम करता है अब आप, आपको एक उदाहरण देता हूँ एक स्टोरी का जो समझना बड़ा मुश्किल होता है अगर हम परफेक्शन को नहीं समझें जब पवित्र दा के साथ एक लोकल व्यक्ति था जब वो शुरू शुरू में आए थे बड़ा हेल्पफुल था उनको जगह बताया उसने ये सब नाइस nice पर्सन बाद में आश्रम बना पवित्र दा ये अलग दुनिया शुरू हुई ये आदमी चला गया था बहुत समय बाद वो पवित्र दा से मिलने आया तो उनके लिए वो एक टोकरी कुछ मैं भूल गया हूँ सेब लाया टमाटर लाया कुछ तो लाया और ला उसने पवित्र दा को दिया क्या करना चाहिए उनको स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए नॉर्मल आंसर होगा स्वीकार करना चाहिए फ्रेंड्स थे क्या प्रॉब्लम है स्वीकार करना चाहिए पहले ऐसा करते भी थे वो कुछ लाता था पवित्रता कुछ देते थे पवित्रता ने माँ से पूछा मदर शुड आई एक्सेप्ट इट और नॉट माँ ने कहा वन लास्ट टाइम अब बोलो माँ ने ऐसा क्यों कहा क्यों कहा होगा बताओ कल्पना करो क्यों कहा होगा हाँ करेक्ट वो चेतना लेकिन क्या अंतर पड़ता अब क्या ऐसा बदल गया अब ये बदल गया कि अब पवित्रता का जीवन कंप्लीटली अंडर मदर्स इन्फ्लुएंस है आप किसी से कोई गिफ्ट स्वीकार करते हो आप कितना भी निष्काम भाव से कर रहे हो आप क्या हुए उसके साथ बंध गए बंधन हुआ ना पूरा माफिया डॉन ऐसी शुरू हुआ है जिसका ओरिजिनेटर दुर्योधन था पहले वो ये नहीं कहते ये कुकर्म करो पहले वो पैसा देते हैं तो आपने जैसे स्वीकार किया आप बंद गए अब जीवन में आप कैसे जिए अब ये तीसरा समस्या हो गया ये दो लेवल पर तो क्लियर हुआ लेकिन लाइफ है आप सबको बोले नहीं 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 हम नहीं स्वीकार करेंगे हम डिवाइन मदर वो भी आप रिजिडिटी हो जाएगी तो क्या करेंगे तो शेयरबिंद इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं आप देखिए कितना वाइड फॉर्मूला हो गया सिंथिस योग में है कि कोई भी गिफ्ट तुमको मिलता है कहीं से भी मिलता है कोई भी गिवर है तुम ये मान के स्वीकार करो अंदर में हृदय की डिवाइन मदर दे रही है और जब तुम किसी को देते हो तो भी यह मान करके दो कि तुम डिवाइन मदर को दे रहे हो उसके अंदर उसका लक्षण क्या होगा वो बोलेगा आपने ये चीज़ दिया है लेकिन ये तो इतना अच्छा नहीं है आपने डिवाइन मदर को दिया है इट डज मैटर उन्होंने स्वीकार किया है आपने अच्छा सा खाना बनाया किसी को घर में बुलाया और किसी ने कहा क्या खाना है आपने भगवान का स्मरण करके बनाया नाउ दैट इज़ द डिफरेंस ये नहीं अच्छा खाना बनाना चाहिए वो भी एक महासरस्वती का परफेक्शन है महालक्ष्मी खाना बनाती है ना वहाँ पर जगन्नाथपुरी में तो वैसे ही हमको करना चाहिए प्रेम डालना चाहिए परफेक्शन होना चाहिए इतना नमक होगा इतना वो भी एक पूजा है भगवान की लेकिन उसको जब खिला रहे हो और बना रहे हो तो इसलिए नहीं कि अरे आज गेस्ट आएंगे वो कितना अच्छा लगेगा उनको खाना दूंगी अब गेस्ट ने कुछ कहा नहीं आपको दुख पहुंचा और आपने अगर माँ को ऑफर करके बनाया गेस्ट ने कहा नहीं कहा ये रेलीवेंट नहीं है तो लेवल्स हैं जैसे जैसे हम चेतना में बढ़ते जाते हैं वही चीज जो एक समय अच्छी थी जब आप अज्ञान में हैं और बोलोगे नहीं मैं नहीं लूंगा नहीं दूंगा वो एक अज्ञान है वो अहंकार से जन्म ले रहा है जब थोड़ा और बड़े हुए आप परस्परता आता है और ऊपर जाते हो तो ओनली वट कम्स फ्रॉम द डिवाइन मदर आई विल टेक और ऊपर जाते हो तो आपकी चेतना में केवल यह होता है वाट एवर कम्स टू मी आई विल टेक इट एज कमिंग फ्रॉम हर एंड फील इन साइड कि सच में मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि नहीं चाहिए कहीं ये कहीं, कहीं पर पाश तो नहीं है छंद वेश में तो इस प्रकार से जैसे जैसे परफेक्शन एक एवर इवॉल्विंग चीज है ओके सो दैट इज यइडिया हाँ बोलिए बिल्कुल अगर कोई काम छूट गया है बैठ जाइए वो भगवान का मंकी ट्रिक है अभी मैं तेज भाग करके चला गया कुछ लोग ऐसे करते हैं ना सब छोड़ छाड़ के मैं चला जाता हूँ आश्रम सीधा पहुँच जाऊँगा आश्रम में संसार भी है केवल भगवान नहीं है सब जगह भगवान हैं सब जगह संसार हैं फर्क क्या है बाहर संसार के अंदर भगवान कहीं छिपे हुए हैं यहाँ पर संसार को भगवान चारों तरफ से लपेटे हुए हैं यही डिफरेंस है आप तो छोड़ के चले गए मुझे नहीं करना है ना मैरिज करना है ना कुछ अब क्या होता है बहुत बार आप आ गए लेकिन अब अहंकार आ गया बहुत बार ऐसे होता है तो भगवान कहते हैं ठीक है तो वो गिरना नहीं होता है कोई काम अधूरा रह गया है भगवान कहते है, तेरे को तो मानव प्रेम भी नहीं आया तो डिवाइन को प्रेम क्या करेगा यू डोंट इवन नो वाट इज इट टू गिव इन लव बोलने से नहीं होता ना माँ को हम प्रेम करते हैं ऐसे तो नहीं होता कि मैं छोड़ करके आश्रम चला गया तो भगवान को प्रेम करने लगूँगा अभी तो हमारा पशु चेतना और डिवाइन चेतना के बीच में ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक लेवल है तो अगर कोई छलांग लेता है तो और काम नहीं किया इधर काम कर लिया वो एक अलग बात है छलांग लिया तो वो वापस आएगा क्यों कोई काम अधूरा रह गया है तो उसको गिरना ये सब नहीं सोचना चाहिए उसको ये सोचना चाहिए परफेक्शन वही बात हुआ परफेक्शन कोई चीज़ छूट गया था माइंड बहुत तेजी से ओपन होता रहा नॉलेज के तरफ हार्ट बच्चा जैसे हार्ट में कोई प्रेम नहीं आया बहुत लेक्चर दिए लेकिन अंदर में क्या था पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो है. वो नहीं पढ़ा सब किताब पढ़ लिया उससे पूछा ओरिजिनल बुक प्रेम का पढ़े नहीं नहीं प्रेम ये सब अच्छा चीज़ नहीं है ज्ञान तो भगवान कहते हैं अभी बताता हूँ प्रेम क्या होता है <laughs> वो भी है आपके अंदर प्रेम आ गया लेकिन आपका प्राण निर्बल है तो भगवान उसका अच्छा से आपके प्राण को सबल बनाए शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो कभी कभी चेतना गिर के शरीर के ऊपर अटक जाएगी क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है तो बिल्कुल होता है ऐसा एक पार्ट वहां जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम भिन्न भिन्न सत्ताएँ हमारे अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं एक तो भगवान की ओर खुलता है एक मनुष्य बना हुआ है एक मनुष्य बनने का चेष्टा कर रहा है एक पशुत्व में बड़ा मज़ा ले रहा है और एक उससे भी नीचे है तो भगवान यहाँ तक तैयार करके कहते हैं होल्ड दूसरे पार्ट्स को भी धीरे धीरे तैयार करके जैसे कार का कारखाना होता है ना कार एक जगह तो बनता नहीं है एक जगह उसका इंजन बन रहा है एक जगह उसका ये पार्ट बन रहा है फिर बाद में असेंबल होता है तो जो पार्ट रेडी हो गया वो उसको भगवान कहते हैं ओके वेट फिर दूसरे पार्ट पे काम तीसरे पार्ट तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति वापस आ रहा है लेकिन नॉर्मली वो वापस नहीं गिरना नहीं होता है वो अलग अलग पार्ट पे क्योंकि इंटेग्रल योग है इसलिए ट्रेडिशनल योग में गिरना होता है क्योंकि केवल आत्मा का बात है तो आप प्रकृति के घेरे में आए ही कि यू हैव फॉलन किंतु तो यहाँ पर ये परफेक्शन एक बहुत सुंदर सावित्री में लाइन है इस पेज थर्टी फोर पर है Exact line I may or may not remember. He makes our fall a means to greater rise. This too the supreme diplomat can use. He makes our fall a means to greater rise. kaise He comes unseen into our darker parts. ऐसे भागे जिसका हमको पता भी नहीं था कि हमारे अंदर ये भी हैं। वहाँ छुप कर के आते हैं। कृष्ण का नहिया। He comes unseen into our darker parts. एंड वर्कस देअर बिहाइंड द टूमुलट ऑफ द सेंस बाहर में कुछ हो रहा है अंदर में वो काम कर रहे हैं टिल दे टू फील द विल एंड नीड टू चेंज जैसे क्लास में जो अच्छा स्टूडेंट है उस पर ज्यादा ध्यान टीचर का नहीं जाता है जो ठीक नहीं है उस पर ध्यान जाता है इसका क्या करें तो वही प्रोसेस होती है और इन दिस वैक्सिंग एंड वेनिंग बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है थर्टी फोर थर्टी फाइव पेज पर थैंक यू सो मच वाह ई विल रीड इट क्या प्रोसेस होता है साधना का दिस टू द सुप्रीम डिप्लोमैट कैन यूज ही मेक्स अवर फॉल ए मींस फॉर ग्रेटर राइस क्यों ये जो नीचे से पकड़ा हुआ था पता नहीं चल रहा था मेडिटेशन क्यों नहीं कर पा रहे यहां पर रस्सी बंधा था तो कम्स फॉर इंटू इग्नोरेंट नेचर्स गस्टी फील्ड इंटू दाफ Ordered chaos of mortal life, the formless power, the self of eternal light, follow in the shadow of the spirit's descent. मैं इसको अभी विस्तार में नहीं जा रहा हूँ नहीं तो दो क्लास हो जाएगा यहाँ पर हाँ रेजिस्ट कर रहा हूँ द ट्विन डुअलिटी फॉर एवर वन चूज इज इट्स होम मेट द ट्यूमुलट ऑफ द सेंस खाली जब ध्यान कर रहे भगवान कहते बहुत हो गया तो ध्यान अच्छा कर लेता है तेरा सेंसरी लाइफ में प्रॉब्लम है इधर भाग जाता है उधर भाग जाता है अभी मैं इसमें उतरूंगा Behind the tumult of the sense. He comes unseen into our darker parts and curtained by the darkness does his work. Abu Kata i pitse agya bhagwan rahe karne. Curtained by the darkness. A subtle and all-knowing guest and guide till they too feel the need and will to change. All here must learn to obey a higher law. Our body cells must hold the immortal's flame. एल्स वुड द स्पिरिट रीच अलोन इट सोर्स जीवन को नहीं तो छोड़ के पुराना योग वही सोल तो चला गया और प्रकृति ऐसे रह गया इसमें लास्ट में बताते हैं रोज देर वॉज ए लार्जर पॉइस गिर के जब उठते हैं और विशाल और बलवान और शक्तिवान और ज्ञानवान होकर और आत्मवान होकर उठते हैं द लाइट रिमेन इन हिम अ लॉन्गर स्पेस

जब तक एक दिन वो परम सूर्य स्थायी रूप से निकल नहीं आता इसीलिए वो चंद्रशेखर हैं सिर पर धारण किए हैं होता है फ्लक्चुएशन लेकिन है भगवान ही धारण किए हैं अमावस्या में किसका कार्य होता है काली माँ का कार्य होता है और पूर्णमासी किसका दिन होता है महालक्ष्मी का दिन होता है देखिए कितना सुंदर यह और ये सब तैयार करके लास्ट में परम सूर्य के रूप में एज द क्रिएटर ही कम्स कि अब तुम तैयार हो अब मैं तुम्हारे पास एक क्या है भजन है ना श्री अरविंद दीवार आती प्रणमी जुगले एक बड़ा सुंदर है हे चिरो दिनेर हे चिरो दिनेर सूर्यो उस पर श्री अरविंद के ऊपर है तोमार प्रणाम करी हे चिरो दीनेर सूर्य तुम प्रणाम करी ऐसे चलता है इसी तरह से भी रीच द हायर लॉ हर पार्ट में जो जो निकलता है सरेंडर टू हर तो प्रणाम करी ये भी तुम्हारा है ये ले लो माँ पाप तुम्हारा यह ले लो माँ पुण्य तुम्हारा आप पुण्य से जुड़े रहेंगे तो पाप रहेगा यह ले लो माँ पाप तुम्हारा यह ले लो मां पुण्य तुम्हारा निज चरणों की परम गति दो ये परमहंस रामकृष्ण परमहंस का लिखा हुआ भजन है शेयर रेटिफाई कर निकलेगा जितना कुछ निकलेगा अगर बांस निकला तो बोलिए बांसुरी बना दो बेकार चीज बोलते हैं सब लोग कृष्ण जी बोलते हैं अच्छा बांसुरी बनाऊंगा छेद करते हैं उसमें सात छेद और बांसरी बजाते हैं सांप निकला तो शिव जी को बोलिए आप अपना गला में धारण कर लीजिए <laughs> भगवान तो एवरीथिंग टू बी ऑफर्ड ताकि उसका सही रूपांतरण हो सके दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस मेंटली नहीं होगा वो रिजिड डॉगमा से माँ बोले ऐसे करना है वैसे करना है तो आप क्या करेंगे वो बाहर से देखने के लिए कर रहे हैं अंदर में वही सब है ईगो भी है डिजायर भी है बाहर एक साधु बच्चा का रूप वो नहीं चलेगा एक प्रोसेस है एक दिन का चीज नहीं है बहुत बार होता है ना पढ़ लिए है। मालिक हैं यही ये यह ये यह यह चीज नहीं करना है अब शेयरबिंद ने लिखा है कि टू गवर्न लाइफ बाय ए रूल बुक हसी हंसी में ऐसे होता है क्या जीवन में जीवन है उसमें बहुत सारे अब जो लोग मॉरल मेंटल लाइफ उससे करना चाहते हैं वो बार बार उनको फेलियोर का एहसास होता है होता नहीं है फिर वो ट्राई करते हैं एसेटिक तरीका से मैं मिलूंगा नहीं किसी से बंद हो जाऊं बोलूंगा नहीं सुनूंगा नहीं फिर क्या होता है चीज जाता है नहीं जाता है आप अपने आप से कहां बच के जाएंगे <laughs> तो लास्ट में आदमी कहता है मदर योर पावर अलोन कैन लेकिन हमारे अंदर सिंसियर ऑफरिंग हजार बार गिरने से एक हजार एक बार उठेंगे दस हजार बार गिरने से फिर दस हजार एक बार परसीवर करेंगे ये नहीं कि गिरने को हैबिट बना ले है। ये मतलब नहीं है लेकिन विथ कंप्लीट ट्रस्ट डिपेंडेंस कॉन्फिडेंस पेशेंस परसिवरेंस एंडियोरेंस फेथ वन राइट एट द विक्ट्री फेथ एंड एंडियोरेंस हाँ बोलिए बैठ के बोलिए प्लीज हाँ सिंपल है फेथ एक बड़ा एक व्यापक गहरा शब्द है आई हैव फेथ इन द डॉक्टर लेकिन जब वो दवाई दे रहा है तो डॉक्टर में तो मुझे फेथ है लेकिन ये दवाई काम करेगा कि नहीं मालूम नहीं ट्रस्ट क्या है ट्रस्ट है कि वो जान गया है जानता है मुझे जो दवाई दे रहा है वो सही दवाई है फिर एक तीसरा चीज होता है कॉन्फिडेंस केवल ट्रस्ट काफी नहीं है कॉन्फिडेंस कि इसको हम लेंगे तो ठीक हो जाएंगे तो फेथ एक बहुत फेथ इज लाइक लाइफ और डेथ एवरीथिंग ट्रस्ट कि जहां मुझे कठिनाई होगा जहाँ भी प्रॉब्लम है जहाँ भी इशू है डिवाइन मदर मुझे ले जाएंगी साथ में कॉन्फिडेंस जब वो मुझे साथ में ले जाएंगी उनकी ग्रेस साथ में रहेगी तो क्या चीज़ है जो असंभव है कॉन्फिडेंस का आधार क्या है वही चीज फेथ एक सोल का एकदम स्पष्ट संकेत है उसमें कोई कंडीशन कोई डिमांड कुछ नहीं है ट्रस्ट होता है जीवन की हर एक गति में वो ग्रेस काम कर रही है कॉन्फिडेंस कि अगर वो ग्रेस काम कर रही है और काम कर रही है, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है ट्रस्ट है आपको साथ में तो वो कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है पर तीनों होने चाहिए आइडियली तीनों होने चाहिए फेथ के बिना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पॉसिबल नहीं है लेकिन फेथ हो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ना हो ये पॉसिबल है तीनों होने चाहिए ये बहुत उलझा हुआ प्रश्न है सही और गलत वाला <laughs> आपको एक उदाहरण देता हूं एक व्यक्ति रास्ता में जा रहा था उसको भगवान की वाणी सुनाई दी पहाड़ चढ़ो पहाड़ पर चढ़ोगे तो ये महासूर्य दिखाई देगा कौन रास्ता से चलूं ये रास्ता से चलूं सही रास्ता है सही रास्ता है थमसअप चल दिया रास्ता में एक पत्थर मिला उसको लगा भगवान ने मुझे आदेश दिया है पथ भी सही है पहुंच रहा हूं तो ये पत्थर को मैं क्या है तो चला जाएगा पत्थर को धक्का देने लगा जाए नहीं पूरा दिन वो पत्थर के साथ उलझा रहा बार बार पूछे भगवान रास्ता सही है आप करेक्ट तो बोले हाँ फिर थोड़ा देर भगवान रास्ता सही है हाँ हो रहा है ना क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा फिर वो कर रहा है कुछ नहीं हो रहा है तो बोला कुछ सही गलत आप क्या बोलते हो भगवान धीरे से बोले पता है मेरा सही गलत में सक्सेस फेल्यूर का नहीं है क्राइटेरिया वो सुना नहीं सुना बैठ गया रात हो गया था क्या भगवान क्या रास्ता में ले गए मुझे इससे अच्छा मैं सोच समझ के चलता लोग बोलते थे उधर से एक रोड है सीधा जाता है मैं किस रास्ता में आ गया सुबह उठा तो अचानक देखा अरे बगल से एक पगडंडी है उसमें चला जाऊं चला गया उसमें लेके पार हो गया पहुंच गया ऊपर तो कहता है ये मुझे कौन रास्ता पे ले गए थे आप आप उस समय क्यों नहीं बताए कि ये बगल में पगडंडी है तो भगवान बताते हैं यहां तो तू चढ़ जाता लेकिन जो तुझे देना है तो उसको लेने के लिए तैयार होता तो जीवन सक्सेस फेल्योर के लिए नहीं बना है जीवन एक प्रयास है दिव्यता की ओर जाने का उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो अगर आपके हृदय में कोई काम को करने की एक तरह से प्रेरणा हुई है तो प्रेरणा काफी है इसके लिए कि यू डू इट पर जो भी कर रहे हो उसको करेक्ट एटीट्यूड के साथ करो बात यह नहीं कि यह काम सही है कि गलत है बात यह कि एटीट्यूड सही है कि गलत है आश्रम आने का प्रेरणा हुआ चले आए एटीट्यूड क्या है आश्रम में बहुत अच्छा है रहने का सुविधा है हाँ ओलंपिक साइज़ स्विमिंग पूल है सबसे बड़ा बात है फ्रीडम है शादी भी का चक्कर नहीं कोई आपको बोलेगा नहीं इससे ये नहीं बहुत अच्छा है भगवान बोलेंगे आ जाओ पहले फिर बताता हूँ मैं तुमको <laughs> एटीट्यूड क्या था ये था आप आश्रम नहीं आए बाहर रहे रोज़ आपके अंदर है कि मैं भगवान तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ देखो कितने लकी हैं वो लोग जो आश्रम में जाके आपका सेवा कर रहे हैं आश्रम में जो है वो लकी नहीं समझ रहे अपने आप को वो देखो डिपार्टमेंट में ये हो रहा है वहाँ ये हो रहा है इसमें लगे हुए पॉलिटिक्स में लेकिन वहाँ कोई बैठा है बोलता है कि काश में भी होता आपका सेवा करता तो बाहर रह के सेवा कर रहा है ये यहाँ रह के वही दुनियादारी कर रहा है श्री रामकृष्ण परमंश की एक कहानी है माता जी ने बार बार एटीट्यूड पर जोर दिया है तो दो मित्र हैं जा रहे थे शाम को अरे रास्ता में एक मित्र बोला मेरा तो भाई देखो छः बज गया ड्रिंकिंग का टाइम हो गया ये कहानी को ऐसे मत समझना कि ड्रिंकिंग एज़ टू तो बी एनकरेज ड्रिंकिंग इज डेंजरस पर कहानी का भाव एटीट्यूड की बात है तो चला गया वहाँ पर मेरा तो टाइम हो रहा है मैं दोस्तों के साथ बैठ के एंजॉय करूँगा दोस्त बोला मैं क्या करूं मेरा तो पूजा का टाइम है एग्जैक्ट सिक्स ओ क्लॉक हैव टू गो चले गए कुछ ऐसा विपदा हुआ बाढ़ आ गया जो भी आया दोनों का डेथ हो गया दोनों पहुंचे मिस्टर चित्रगुप्त वहाँ खड़े होके बैठे हैं आइए तो ड्रिंकिंग वाला आया चित्रगुप्त ने कहा स्वर्ग जाइए आप ये बोल रहा है मैं तो रोज पूजा करता लेकिन हो सकता है कोरोना हो भगवान का तो भेज दिए फिर ये भी आया है तो बहुत शौक मैं तो रोज छः बजे पूजा करता था कौन सा स्वर्ग जाऊँ स्वर्ग नहीं थोड़ा देर नरक में बिता के आओ ये क्या है आपका कंप्यूटर गड़बड़ है नोट नहीं किया है ठीक नोट किया है क्या नोट किया है मेरा कंप्यूटर एक्ट नहीं मोटिव देखता है तो क्या प्रॉब्लम था वो रोज ड्रिंक करता था ना वहाँ जाके यही सोचता रहता था काश में अपने दोस्त जैसा होता जाके भगवान का पूजा करता देखो कितना अच्छा काम कर रहा है मेरा क्या ये दुष्प्रवृत्ति आ गया और तुम वहां बैठ के सोचते थे क्या बोरिंग चीज छह बजे आके घंटी बजाओ काश मैं भी फ्री होता दोस्त का जैसा एंजॉय करता मोटिव एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट ठीक है काम वो सही है कि गलत है इसका निर्णय मोटिव पहले पहला चीज ये सच है कि एक कुछ विशेष काम होते हैं जिसके लिए हम बने होते हैं वो आपको अपने ही अंदर अंतः प्रेरणा से पता चलेगा उसको स्वधर्म कहते हैं इसके भी ऊपर एक ऐसा काम होता है स्वधर्म भी अज्ञान में है पर अज्ञान के अंदर वो एक लाइट है पॉइंटर है इसके भी ऊपर एक ऐसा काम है जिसके लिए माँ ने ना जाने सदियों से हमको गढ़ रही हैं वो लास्ट में होता है वर्क ऑफ द डिवाइन लेकिन ये तीन पॉइंटर हैं अंत प्रेरणा अंत प्रेरणा से काम कीजिए लेकिन राइट एटीट्यूड से राइट एटीट्यूड सेल्फिश मुझे क्या लाभ मिलेगा सक्सेस ये नहीं निष्काम कर्म भगवान को अर्पण करके सुंदर करना उसके आगे होता है और भी आगे स्वधर्म से प्रेरित कर्म और सबसे ऊपर होता है सर्वधर्मान परित्यज्या मामेकम शरणम रजा अहम तो आ सर्व पापेभ्यो मोक्षा माँ शुचा Okay, thank you so much.